ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है। सरकार का आरोप है कि राजीव युवा मितान क्लब के बहाने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा रहा था। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की एक और योजना बंद कर दी। राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद बक्से में डाल दिया गया है। खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई थी, इसका फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा था। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदरबांट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। इधर योजना को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जो सरकार आती है अपनी योजना चलाने का काम करती है। योजना से सीधा लाभ युवाओं को होता था, योजना को बंद करना ठीक नहीं है। देखिए, जो सरकार आती है अपनी योजनाएं चलाने का काम करती है, लेकिन जो योजनाएं अच्छी है युवाओं के लिए, जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं पे बहुत सारे, जैसे हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू किया था जिसे गांव के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को गोबर खरीदी होती थी, उससे उनके सशक्तिकरण का काम होता, आज उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं जो जिससे सीधा लाभ आम लोगों को होता था और आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, उन सब कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बंद कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत का अंदाज बदला है और साय सरकार कांग्रेस की योजनाओं में करप्शन के आरोप लगाकर बंद कर रही है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट। शिव डहरिया ने पलटवार भी कर दिया है इस पूरे मसले पर। योजना के बंद होते ही सियासत चालू हो गई है। ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है राजीव युवा मितान क्लब योजना, जिसको बंद कर दी गई है। खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री का बयान भी सामने आया है इसको लेकर। अब सियासत देखने को मिल रही है, यूथ को फायदा नहीं हो रहा है, ये मंत्री का कहना है। क्योंकि फायदा नहीं हो रहा था और योजना से फायदा होता तभी इसको जारी रखते, इसीलिए बंद कर दी गई है इस योजना को। आकाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बात करें अगर कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई इस योजना की, जिसका नाम है राजीव युवा मितान योजना, इसके बंद करने के पीछे के वजह क्या सामने आए? देखिए, राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया गया और इसके बंद करने के पीछे की वजह को समझिए कि राजीव युवा मितान क्लब है क्या। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2021 में इसकी शुरुआत की थी। पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार है वो इसके तहत जो युवाओं को जोड़ना था और उसके लिए शासन इनको अनुदान दे रही थी। करीब 13,000 से अधिक जो क्लब बनाए गए थे, प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवाओं को रखा गया था। हर 3 महीने में इसे करीब 25,000 रुपये उससे अधिक का अनुदान दिया जा रहा था। इन 2 वर्षों में कहा जा रहा था कि 132 करोड़ रुपये इसमें खर्च कर लिया गया है। अब जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इस पर लगातार सवालें उठाते रही कि राजीव गांधी युवा मितान क्लब से सीधे तौर पे फायदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, किस तरीके से युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल रहा। जब कांग्रेस सरकार गई और भाजपा की सरकार आई तो इसका सबसे पहले जो है भाजपा ने इसका खाता सीज कर दिया, सील कर दिया और बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सभी जिलों से इसके डाटा मंगाए गए और अंततः जो है युवा जो खेल मंत्री है उन्होंने इसे बंद करने की घोषणा कर दी। उनका साफ तौर पर बयान आया है कि जो फायदा मिल रहा था वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मिल रहा था। पहले ही तो राजीव गांधी मार्ग का नाम बदलकर श्रीराम मंदिर मार्ग किया गया, उसके बाद एक बार फिर क्या सियासत का मौका मिल गया यहाँ पर राजनीतिक दलों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से योजनाएं बंद हो रहे हैं, नाम परिवर्तन हो रहे हैं, एक तरीके से राजनीतिक सियासत भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस लगातार मुखर है। और उनका भी बयान आया है कि जो युवाओं को फायदा मिल रहा था, युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा था, उसके खिलाफ बीजेपी सरकार काम कर रही है, इस तरीके से आरोप कांग्रेस लगा रही है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पूर्व मंत्री जो
बीते कई दिनों सुर्खियों में है। अमरजीत भगत के ठिकानों पर पिछले दो दिनों से आयकर विभाग की रेड जारी है। अफसर उनके बंगले पर दस्तावेज खंगाल रहे हैं और उनसे करीबियों से पूछताछ भी लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की रेड जारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में आयकर कार्रवाई कर रही है। चौहान बिल्डर समेत 47 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। बलरामपुर के राजपुर में पूर्व खाद्य मंत्री के निजी सहायक समेत रायपुर के एमएलए कॉलोनी स्थित पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले पर रेड पड़ी है। इधर अमरजीत भगत का बेफिक्र अंदाज भी नजर आया, वो छत पर योग करते दिखे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार आईटी की कार्रवाई है, जारी है और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपने छत पर टहल रहे हैं, लेकिन उन्हें बात करने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए जरूर थे, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से ले जाया गया है और कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई है, वो जारी है। हालांकि अभी आईटी की जो टीम है उसने किसी तरह का ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह की संपत्ति मिली है, कितने की जो संपत्ति है वो मिला है, इसका खुलासा तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। इधर अंबिकापुर में भी भगत के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। एसआई रुपेश नारंग, निजी सचिव से पूछताछ की गई है। आयकर विभाग की टीम लगातार तीसरा दिन पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले पर दस्तावेजों की जांच करी है। इस वक्त मैं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के जवान हैं उनके घर के सामने जो है किसी को भी भीतर नहीं जाने दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो है उनके करीबी हैं उनके भी से आईटी की टीम जो है पूछताछ कर रही है, जिसमें एसआई रूपेश नारंग सहित सचिव फ्रैंकलिन टोप्पो और प्रमोद जीनियर को भी इसी आवास पर रखा गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इधर आयकर विभाग की टीम ने लगभग 2 करोड़ से अधिक नगदी, ज्वेलरी समेत अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। पूर्व मंत्री समेत बिल्डर्स और कारोबारियों से पुराने सौदे की जानकारी अधिकारी हासिल कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी, अंबिकापुर से श्रवण महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के साथ साथ कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में हुई, लेकिन बैठक कांग्रेस पदाधिकारी नदारद रहे। रिपोर्ट देखिए। रायपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक से कई पदाधिकारी नदारद रहे। बैठक में 88 नेता गायब रहे। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ये बैठक बुलाई थी। बैठक से नदारद रहने वाले नेताओं में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 51 प्रदेश सचिव और 9 जिलाध्यक्ष थे। बैठक से गायब रहने वाले नेताओं को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। बैठक में जो जो पदाधिकारी हमारे नदारद रहे, जिसमें 9 उपाध्यक्ष हैं, 9 जिलाध्यक्ष हैं और 19 जनरल सेक्रेटरी हैं और 51 सेक्रेटरीज हैं, इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है हमारे प्रभारियों के आदेशानुसार। इधर बैठक से नेताओं के नदारद रहने पर बीजेपी ने तंज कसा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जनता कांग्रेस से दूर जा रही है, साथ ही पार्टी के पदाधिकारी भी धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, पर जिस पार्टी से जनता दूर चली जाए उसके पदाधिकारी भी दूर होंगे। एक तरफ हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, लेकिन बैठक से नेताओं के नदारद रहने पर बड़ा सवाल उठना लाजमी है और बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जगदलपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। डाक से लेटर भेजकर उन्हें धमकी दी गई है। इस मामले की योगेंद्र ने आईजी और एसपी से शिकायत भी की, तो वही धमकी से उनका परिवार डरा हुआ है। तो ये धमकी भरा लेटर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। डाक से ये धमकी भरा लेटर आया। योगेंद्र पांडे ने आईजी और एसपी से इसकी शिकायत हालांकि कर दी है। बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दी गई है। जी को इस बात को बताया, उनके पास लेटर भी भेज दिया और वो बोले कि मैं एसपी से बात करूंगा, आईजी से बात करके बताता हूँ।
और मैंने भी एसपी और आईजी को लेटर भेज दिया है और मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर भेज दिया है, उनको भी जानकारी के लिए भेज दिया है। अब आगे देखिए, अब मेरे को तो ऐसा कोई वो है नहीं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, सेवा भाव करते हैं, सेवा भाव करते रहेंगे, इससे हम डरने वाले नहीं हैं और मरने वाले से हम डरते नहीं, क्योंकि सेवा भाव करने वाला क्यों डरेगा। भाजपा के पार्षद श्री योगेंद्र पांडे जी का एक आवेदन कल डिस्पैच के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने धमकी दिए जाने का जिक्र किया है। उस आवेदन की जांच हमारे द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है और आवेदन की जांच होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जगदलपुर की, जहां बीजेपी उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली है और इसको लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, कांग्रेस राज में लोग सुरक्षित थे, अपराध होने पर तुरंत अपराधियों पर कार्रवाई होती थी। वहीं पूर्व मंत्री ने अमरजीत भगत पर आईटी के छापे को लेकर कहा कि केंद्र जांच एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। देखिए, ईडी, आईटी, सीबीआई ये तो केंद्र सरकार की संस्था है और उनके निर्देश पर ही काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा खराब रही है। पिछले जैसे 15 साल रमन सिंह जी का राज था, हमारे सरकार के समय में इस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति कभी खराब नहीं हुई। नक्सली समस्याएं जो है पहले से कम हो गई थी। आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही है वो बीजेपी की सरकार में ही इस तरह की घटनाएं होती है, कांग्रेस सरकार में लोग सुरक्षित थे।